तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सीईओ ने कहा था कि तुम्हें कहाँ पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, और उसने ये भी कहा था कि उसे ये बताएं कि कहाँ पर उन लोगों को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तभी यी एंड रूरू एकदम से शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने झूठ बोला होता है। तभी सीईओ बोलता है कि तुम लोगों को हेल्दी फूड खाना चाहिए, ना कि ये जंक फूड खाना चाहिए। तभी वेटर आता है और बोलता है कि सर आपका ऑर्डर आ गया है, और इस ऑर्डर में 2 प्लेट होती है जो कि सैलेड और सम ग्रीन वेजीज के साथ भरी होती है। और तभी तीनों बैठ के आराम से देख रहे होते हैं, और रूरू और यी सोच रहे होते हैं कि ये वेजिटेबल खाना उन्हें खाना पड़ेगा। सीईओ वेजिटेबल्स उठाता है प्लेट से और उन दोनों को वेजिटेबल सर्व करता है, लेकिन रूरू को फ्राइड चिकन खाना होता है। जब वो वेजिटेबल अपनी प्लेट में देखता है तो मानो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हों, और सीईओ बोलता है इसे खाओ। तभी जो यी है उससे ना बहुत गिल्टी फील हो रहा होता है क्योंकि वो वाकई में रूरू को जंक फूड खिला रहा होता है, और जो रूरू है वो पपीज आइस बना के यी को देख रहा होता है कि उसे कोई तो फ्राइड चिकन दे दो, लेकिन कहाँ कोई उसे फ्राइड चिकन देने वाला है। तभी वो सारी वेजिटेबल सीईओ उन दोनों की तरफ खिसका देता है, और यी को भी बोलता है कि तुम्हें भी वेजिटेबल्स खाने की जरूरत है, सिर्फ रूरू को ही वेजिटेबल्स नहीं खाना है, तुम्हें भी वेजिटेबल्स खाना है। और फिर से वेटर आती है और बोलती है सीईओ को कि आपका फ्राइड चिकन आ गया है सर। तो सीईओ थैंक यू बोलता है, लेकिन यी एंड रूरू तो वेजिटेबल सैलेड खा रहे होते हैं, तो उसकी तरफ देखते हैं कि शायद उनको भी वो फ्राइड चिकन मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और तभी ढेर सारा फ्राइड चिकन सामने पड़ा हुआ होता है, और दोनों यी और रूरू दोनों के दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है कि फ्राइड चिकन किसी भी तरह उन्हें फ्राइड चिकन चाहिए। और वहां सीईओ अपना फ्राइड चिकन आराम से एंजॉय कर रहा होता है, और ये 2 लोग जो अपने आप को पुअर पीपल समझ रहे हैं, ये लोग के नसीब में सिर्फ सैलेड ही है आज खाने में। तभी सीईओ जो है बहुत आराम से स्लोली मजे लेते हुए अपना फ्राइड चिकन खा रहा होता है, और ये यी और रूरू उसको बस सिर्फ देख ही रहे होते हैं और वेजिटेबल नहीं खाना मांगते हैं, और सिर्फ ये लोग जो है जंक फूड ही खाना मांगते हैं। और सीईओ सोचता है कि जंक फूड वाकई में टेस्ट में अच्छा लगता है, कभी कभी उसे अपना मेनू बदलना चाहिए और उसे भी जंक फूड थोड़ा बहुत खाते रहना चाहिए। सीईओ का खाना हो जाता है और वो बोलता है कि यदि तुम दोनों ने भी खाना खा लिया हो तो हमें चलना चाहिए। इन दोनों ने खाना तो खत्म कर दिया होता है, लेकिन इनका जो मूड होता है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है क्योंकि रूरू के हिसाब से फ्राइड चिकन चाहिए और उसके हिसाब से उसको चिकन कहाँ गया। रूरू वांट्स टू ईट चिकन, तो रूरू को तो अभी तक चिकन ही चाहिए। तभी यी रूरू को अपने गोद में टाइटली पकड़ लेता है और बोलता है कहाँ जाना है अब हमें। तो सीईओ बोलता है कि तुम लोग मेरे साथ मेरे घर जाओगे। तभी यही बोलता है कि हमारा अपना खुद का घर है तो हम तुम्हारे घर क्यों जाएंगे, और जो ये तुम कर रहे हो वो इलीगल है, एक तरीके से तुम हम लोगों को कैद करना चाहते हो करके। और ऐसा कह के यही अपना फोन निकालता है और बोलता है कि मैं फोन से पुलिस को बुलाऊंगा, पुलिस को कॉल करूंगा। सीईओ उसका फोन ले लेता और बोलता है ये इलीगल है, मेरे जो लॉयर है उसने पहले ही रूरू की जो कस्टडी है वो मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दी है, तो अब तुम जो हो वो रूरू के फादर नहीं रहे हो करके। सीईओ ये सब उसे बताता है और उसका फोन उसके हाथ से लेता है और बोलता है कि यदि तुम्हें फिर भी कॉल करना है तो तुम कर लो, लेकिन फिर देखना कि कौन जेल जाएगा करके। और यी और रूरू एकदम से शॉक हो जाते हैं, और यी को थोड़ा गुस्सा भी आता है और वो पूछता है क्या तुमने मेरे घर का रजिस्ट्रेशन को चोरी किया है क्या, जिससे कि तुमको ये लॉयर ने कस्टडी तुमको दे दी करके। अब रात हो चली होती है, उनका घर बहुत बड़ा और महल जैसा होता है, और तभी ये लोग घर पहुंचते हैं। घर के एक कमरे में किड्स का सब कुछ सामान रखा होता है, टॉयज, एरोप्लेन और ऑटोमेटिक गाड़ियां, कंसोल्स गेम के, और सब इतना सारा होता है कि जब यी और रूरू पहुंचते हैं तो उनकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है और वो बोलते हैं कि बहुत ही ऑसम है करके। तभी वो बताता है कि हमारे घर में प्ले रूम की भी फैसिलिटी है, और उनके जो सेक्रेटरी है वो बोलते हैं कि हमने इस आफ्टरनून में ये पूरा प्ले रूम जो है पूरा सेट कर दिया है और हमने सारे फ्रेंडली टाइप का मटेरियल यूज किया है जो बेबी की हेल्थ के लिए अच्छा है, इससे बेबी की हेल्थ को नुकसान नहीं होगा, और ये इस मटेरियल को हमारे वर्कर्स ने भी टेस्ट किया है और हम इसे कभी भी यूज कर सकते हैं। और तभी सीईओ बोलता है कि सेक्रेटरी को बोलता है कि तुम रूरू को अपने साथ लेके जाओ, मुझे कुछ बात ये उनसे करनी है। सेक्रेटरी बोलती है ठीक है बॉस, मैं जाती हूँ। सेक्रेटरी बच्चा लेने के लिए जाती है और तभी सीईओ बोलता है कि ये तुम मेरे साथ रूम में आओ और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो सेक्रेटरी है वो बहुत अच्छे से रूरू का ख्याल रखेगी। और रू अभी भी आंखें चमक रही होती हैं क्योंकि उसको तो उसका प्ले रूम दिखाई दे रहा होता है। तभी सेक्रेटरी रूरू को गोदी में लेती है, रूरू भी बहुत हंसते हुए सेक्रेटरी की गोद में जाता है और बोलती है कि अब हम खेलेंगे थोड़ी देर। तभी यी बहुत उदास भरी आंखों से रूरू को देखता है कि अब रूरू उनके पास जा रहा है करके, लेकिन वो फिर भी कुछ बोलता नहीं है और जाने देता है। दूसरी ओर ये दोनों स्टडी रूम में चले जाते हैं जहाँ पर सीईओ चाय का कप ऑफर करता है यी को, और यी बैठ के चाय का कप को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि हमारे बीच में कहने के लिए कोई भी बात नहीं है। और तभी सीईओ बोलता है कि रूरू को किंडरगार्टन अब और मत भेजो, मैं उसके लिए फैमिली टीचर को ढूंढूंगा और वो उसे पढ़ाएगा और रूरू को यहीं मेरे साथ रहने दो। तभी ये बोलता है कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, रूरू मेरा सन है, तुम्हारा नहीं है। मैं मानता हूँ कि तुम रिच और पावरफुल हो, लेकिन जो तुम अभी कर रहे हो वो इलीगल है। हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं है और तुम जो हो शुरुआत से ही मेरे बच्चे को चोरी करने की कोशिश कर रहे हो, तुम मेरा बच्चा मेरे से लेना चाहते हो। तभी सीईओ बोलता है कि तुम यी यून हो और मैं जो हूँ फैंग जिनयाओ हूँ, तो अब हम एक दूसरे को जान गए हैं। यानी जो सीईओ है वो एक्चुअली उसका और अपना नाम लेता है और बोलता है अब हमारी पहचान हो गई है। तभी यी को और गुस्सा आता है, बोलता है कि तुमने यहाँ पर एक पॉइंट मिस कर दिया है, तो तुम कैसे मेरे सन को मेरे से ले सकते हो करके। तभी सीईओ बोलता है कि मैं तुम्हें अलाउ करूंगा उसे एक महीने में एक बार मिलने के लिए। तभी यी को और गुस्सा आता है, बोलता है तुम क्या बात कर रहे हो। तो सीईओ बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें महीने में 2 बार रूरू से मिलने दूंगा। लेकिन ये इस बात को सुनकर और भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है क्या तुम पहले मुझे सुनने की कोशिश करोगे, तुम एक पॉइंट मिस कर रहे हो जो। तो सीईओ बोलता है कि महीने में 2 बार मिलना बहुत है, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तभी बोलता है कि 7 बार में जो हमारे वीक में 7 दिन होते हैं वो भी मेरे लिए इनफ नहीं है, और तुम ये 2 दिन की बात कर रहे हो। ऐसा कह के वो उठता है और टेबल पे बहुत जोर से अपना हाथ मारता है और तभी वो सोचता है कि मैं तुम्हारे साथ एक्चुअली ये सब क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ये सब डिस्कस करना ही नहीं चाहिए। तो सीईओ बोलता है ठीक है, हम फिर टॉपिक चेंज करते हैं। तो ये देखता है कि टॉपिक चेंज करते हैं, अब क्या बात करना चाहता है। तो सीईओ बोलता है कि हम तुम्हारे बारे में बात करेंगे। तभी दूसरी ओर जनरल मैनेजर के ऑफिस में जो ये मैनेजर है वो सोच रहा होता है कि लिंशी अभी तक वापस नहीं आया है, क्या वो हमें वापस से याद रखेगा। ये लिंशी वो है जो बाई कंपनी से आया था यी को रोल देने के लिए, और ये करते हुए एक्सरसाइज भी कर रहा होता है मैनेजर। और ये बोलता है कि उसने कहा था कि वो वापस आएगा और कब आएगा, लेकिन उसने ये हमें नहीं बताया था। लेकिन मुझे कोई ना कोई तरीका खोजना पड़ेगा उन्हें याद दिलाने के लिए कि उन्हें यहाँ पर आना है। तभी लाल वाली हेयर वाली जो औरत है जिसका नाम लाओ रहता है वो बोलती है कि तुम इतने सिली भी मत बनो। तो ये मैनेजर बोलता है, नहीं लाओ बोलती है कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा और जो तुम्हारा नहीं है वो कभी भी तुम्हारा नहीं होगा और उसे तुम फोर्स नहीं कर सकते हो। तो मैनेजर बोलता है कि तुम बहुत ही निगेटिव हो, तुम्हें इतना निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। मैं जस्ट प्रिकॉशंस ले रहा हूँ, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं नहीं चाहता कि हमारे हाथ से ये अपॉर्चुनिटी स्लिप हो जाए। तो लाओ बोलती है कि ठीक है तुम्हें ट्राई करना है तो करो, लेकिन बहुत हार्ड मत ट्राई करना। तभी मैनेजर जो है फोन लगाता है और बोलता है पीआर डिपार्टमेंट को कि वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें कहा है, और वहां पर न्यूज रिलीज कर दो कि बाई कंपनी जो है वो हमारी कंपनी में रोल सिलेक्शन के लिए आने वाली है, और उन्हें डायरेक्टली इन्वाइट करो और साथ में यून को भी इन्वाइट करो ऑडिशन के लिए। और ये अभी तक किसी को नहीं पता है, इस बात को सीक्रेट रखो कि उनका क्या रोल होना चाहिए। तभी लाओ बोलती है कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है कि ऐसा करना चाहिए। तो मैनेजर बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये करने से हमारी कंपनी को बेनिफिट होगा करके। तभी वो बोलता है कि चाहे यून को कोई चूज करे या ना करे, लेकिन हम जो है पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं बाई कंपनी से। तो बेसिकली वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यदि उनको बाई कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है तो ठीक है, और नहीं करती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी और को प्रमोट कर देंगे। और वो बोलता है कि यदि यून को कोई रोल नहीं मिलता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें हमारा कोई लॉस नहीं होगा। और दूसरी तरफ यी यून जो है वो फेमस भी नहीं है और उसे कोई जानता भी नहीं है। तभी लाओ बोलती है कि उसका नाम यी यून है, YUN करके। तो मैनेजर बोलता है फोन पे कि अब तुम जो है ये जो भी मैंने तुम्हें ऑर्डर्स दिए हैं उसको तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पब्लिश कर दो। और ये भी बोलता है कि तुम्हें वाइबो का जो सर्च है हॉट सर्च जो होते हैं उनको भी तुम्हें बाय करना है, जिससे उनका न्यूज बहुत समय तक चलता रहे। अब वापस हम आते हैं यी और सीईओ की टॉक के ऊपर। तो अभी वो बोलता है यी कि तुम मेरे बारे में क्या बात करना चाहते हो। यी थोड़ा नर्वस होता है कि सीईओ आखिरकार उससे क्या ही बोलना चाहता है करके। तभी सीईओ बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हारा जो मेजर था वो फोटोग्राफी में था तुम्हारे कॉलेज के टाइम में। तो यही भी ये बात सुनता है जो सीईओ बोल रहा होता है, और वो याद करता है कि हाँ वो फोटोग्राफी उसका मेजर था जब वो कॉलेज में था। तो सीईओ बोलता है कि जब तुम हाई स्कूल में थे तो तुमने उसे स्टार्ट किया था, अपना शूटिंग वेब सीरीज से तुम्हारी शूटिंग चालू हुई थी, और तुमने अपना स्कूल भी इसीलिए छोड़ दिया था अपने कैरियर के लिए जो तुम्हें एक्टिंग में बनाना था। लेकिन अब तुम एक्टर हो भी और नहीं भी हो क्योंकि तुम एक फ्लॉप एक्टर हो। ये भी सोचता है कि हाँ ये बात तो सही है कि वो एक फ्लॉप एक्टर है। तभी वो बोलता है हाँ तो क्या हुआ यदि मैं फ्लॉप एक्टर हूँ तो सीईओ बोलता है कि तुमने अपना जो कैरियर था वो एक ट्रैवल वेब सीरीज के लिए छोड़ा था, लेकिन ना ही तुम उसमें सक्सेसफुल हो पाए और ना ही तुम आज सक्सेसफुल हो। और वो बोलता है कि तुम फेम मिल जाएगी और तुम उसे किसी भी तरह उसे पाना चाहोगे, फेम एंड गेन एट एनी कॉस्ट। तो ये सोचता है कि हाँ ये बात सही है कि उसे फेम भी चाहिए था किसी भी तरह। और वो ये भी सोचता है कि जितनी जल्दी हो सके उसे उतनी जल्दी फेमस होने की जरूरत है। लेकिन सीईओ आराम से चाय पी रहा होता है और यी की बात को सुन रहा होता है। सीईओ बोलता है कि तुम इस साल 28 इयर्स के हो जाओगे और अभी तक में 7 साल हो चुके हैं। तुमने अपना एक जो डब्ड किया था उसमें 7 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम अभी भी कुछ नहीं हो, तुम्हें कोई नहीं जानता, तुम्हारी कोई स्टेबल इनकम भी नहीं है और कई बार तो तुम पैसों के लिए अपने माता पिता से भी मांगते हो। ये बात सोचता है कि हाँ ये बात तो सही बोल रहा है और थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। तो सीईओ बोलता है क्या यही है तुम्हारे पास करने के लिए? यही बोलता है कि मैं सिर्फ एक चांस चाहता हूँ और कुछ नहीं, और वैसे भी बाई कंपनी के जो लोग हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से वो लोग मुझे देखने आ रहे हैं आज, मे भी मैं एक बड़ा स्टार किसी दिन बन जाऊंगा करके। तो सीईओ बोलता है कि तुम्हारे पास एक स्टेबल जॉब तक नहीं है, तुम रूरू के साथ 2 वीक्स एक साथ नहीं गुजार सकते हो और तुम अपने पेरेंट्स के साथ भी महीने में एक ही बार या 2 बार मिलते हो। ये कहता हुआ वो अपना चाय का कप टेबल पे रखता है और ये भी बोलता है कि तुम अपना लाइफ जो है उसे खुद मैनेज करने के लिए केपेबल नहीं हो और ना ही तुम अपना कैरियर बनाने में केपेबल हो। ये सोचता है कि हाँ जो सीईओ बोल रहा है वो सही बात बोल रहा है, मैं जो हूँ दोनों तरफ का केयर नहीं कर सकता एक ही टाइम पे, ना ही मैं अपना मतलब कैरियर बना पाता हूँ और ना ही मैं रूरू की देखभाल ढंग से करता हूँ। तो सीईओ बोलता है कि कभी तुमने सोचा है कि तुम्हें अपना जॉब चेंज करना चाहिए और अपने एक नया लाइफ चालू करना चाहिए? मे बी ये तुम्हारा राइट पाथ नहीं होगा तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा होगा। और वो बोलता है कि यदि तुम अपना कैरियर एक्टिंग कैरियर यदि छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक बेटर लाइफ ऑफर कर सकता हूँ। तो ये सोचता है कि क्या चेंज करूंगा अब मैं इस उम्र में, और पूछता है कैसे, और तभी ये बताता है यदि ये तुमने कुछ साल पहले बोला होता तो मैं शायद ये बात सोच भी लेता कि मैं अपना कैरियर चेंज करूं, लेकिन अब मैं 28 साल का हूं और इस एज में मैं क्या ही कर सकता हूं, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो अभी मेरे लिए ये चेंज करना इम्पॉसिबल है। तो सीईओ बोलता है तो ठीक है, मान लेते हैं कि यदि तुम किसी दिन फेमस हो जाते हो और एकदम सुपरस्टार बन जाते हो तो क्या तुमने कभी सोचा है फिर रूरू का क्या करना है करके? तो सीईओ तो इमेजिन कर रहा है कि रूरू कैसा दिखेगा उस टाइम पे, और वो बोलता है कि अभी रूरू जो है वो बहुत ही छोटा है और यंग है, लेकिन जब उसे सब रिपोर्टर्स वगैरह सब घेरेंगे तो कैसा लगेगा? तो ये बोलता है कि उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, मैं उसे संभालूंगा। तो सीईओ बोलता है कि यदि तुम्हें दोनों में से कोई एक चीज चुनने के लिए दी जाए तो तुम किसे चुनोगे, रूरू को या अपने कैरियर को? तो ये बिना कुछ सोचे समझे फट से बोल देता है कि वो अपने बेटे रूरू को ही चुनेगा, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। और वो बोलता है कि ये जो है ये सब तुम्हारे अजम्पशंस हैं और कोई भी मुझे जो है चॉइस करने में मजबूर नहीं कर सकता है। तो सीईओ बोलता है लेकिन मैं तुम्हें एक चॉइस ऑफर कर सकता हूँ और यदि तुम गिव अप करने के लिए तैयार हो तो ये बोलता है कि मुझे पता है कि सब लोग मुझे एक जोक ही समझते हैं, लेकिन जिन्होंने मेरे पे डाउट किया है और जिन्होंने पहले इस में डब किया था जब वो नए आए थे तो वो लोग कहीं ना कहीं इस पीरियड में सक्सेसफुल हो गए हैं। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने हार्ड वर्क भी किया, मैं हार्ड वर्किंग भी हूँ मैंने, लेकिन फिर भी कुछ भी मैंने अचीव नहीं किया। ये सीईओ को बताता है और बताता है कि अब सब कुछ शांत हो गया है करके, लेकिन यदि अभी मैं अपना मतलब ये प्रेजेंट कैरियर छोड़ देता हूँ और एक नया जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ तो जो मैंने पास्ट में इतने सारे साल अपने काम को एफर्ट किया है वो तो वाकई में जोक में बदल जाएगा करके। तो सीईओ यी को चुपचाप नजरों से देखता है। तो वो बोलता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा कैरियर जो है वो सच में इतना इम्पोर्टेंट है, क्या मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा था? तो दूसरी तरफ आवाज आती है क्वैक क्वैक की और बच्चा जो है वो एक डक वाले टॉय के साथ खेल रहा होता है और उसे बड़ा मजा आ रहा होता है और वो बहुत एंजॉय कर रहा होता है और बोलता है कि ये जो डॉल है डक डॉल है और ये डकी की है और जो डकी के फ्रेंड्स हैं वो भी हैं, जैसे कि ड्राई फिश है, किटन प्लानेट है, डॉगी है, ये सब डकी के फ्रेंड्स हैं। वो अपने टॉय के फ्रेंड्स की तरफ भी देखता है क्योंकि उसको बहुत सारे नए टॉयज दिए गए हैं। तभी सेक्रेटरी बोलती है कि यंग मास्टर, हमारे पास टीरेक्स भी है और ट्रांसफार्मर भी है और ये सारे टॉयज भी तुम्हारे लिए ही हैं। बच्चा बोलता है कि ये बहुत सुंदर है, बहुत कूल है। तो सेक्रेटरी आगे से उसको ऑफर करती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि इससे कैसे खेला जाएगा और ये कैसे मतलब ट्रांसफॉर्म होता है एक सुपर हीरो में करके और सुपर वर्ल्ड मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तो ये बड़ा खुश होता है कि सेक्रेटरी उसको ये टॉय कैसे ऑपरेट करना है ये बताएगी। तभी जो सेक्रेटरी वो अपने मन में सोचती है कि इस टॉय को कैसे ऑन करना है करके, तो पहले उसके हाथ पे अपना हाथ देती है और सोचती है कि अब वो ऑन हो जाएगा, लेकिन ऑन नहीं होता है। तो दोनों साइलेंट हो जाते हैं क्योंकि टॉय ने अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है टॉय। वो सोचती है कि शायद टॉय के सिर के ऊपर हाथ लगाने से टॉय शायद चलने लगेगा, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है और वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। जो सेक्रेटरी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, रूरू भी जो है वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है उसको कि ये तो टॉय चल ही नहीं रहा, इसको कुछ हो गया है। तो सेक्रेटरी सोचती है कि मैं किसी भी तरह यंग मास्टर को दुखी होता हुआ नहीं देख सकती हूँ। तो वो थोड़ा टॉय के साथ जोर जबरदस्ती करती है और थोड़ा सा जोर लगाती है। तो क्या होता है कि टॉय जो है वो टूट जाता है। तो सेक्रेटरी को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, ऑकवर्ड सा फील करती है, लेकिन फिर वो हंसने लगती है और बोलती है ये टॉय खराब होगा, इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी नहीं है करके, इसलिए वो टूट गया है और करके वो उस टॉय को फेंक देती है और जोर-जोर से हंसने लगती है और वो बोलती है हम किसी और टॉय के साथ खेल सकते। तो रूरू बोलता है ओके ठीक है। और वो टॉय जब वो गिरा होता है फर्श के ऊपर तो रूरू को दिखाई देता है कि उसमें से फिर से कुछ रेड कलर का स्मोक जो है वो निकल रहा है और वो रेड कलर का स्मोक जो है वो सेक्रेटरी के पीछे ही है और वो सेक्रेटरी के अंदर भी जा सकता है। और इधर सेक्रेटरी बोल रही होती है कि चलो चलो हम कुछ और खेलते हैं करके, कैसा रहेगा कि हम लिटिल डायनासोर के साथ खेलें करके। डायनासोर के साथ वो खेलने के लिए रूरू को ऑफर करती है, लेकिन रूरू का ध्यान अभी भी वो रेड कलर के स्मोक पे ही है। तो वो बोलती है यंग मास्टर, हमारे पास और भी दूसरे टॉयज हैं, क्या आप उन्हें देखना चाहेंगे? तो रूरू जो है वो सेक्रेटरी की आंखों में देख रहा होता है और उसे एकदम से डर सा लगता है। वो बहुत जोर से चिल्लाता है आ करके। तो दूसरे कमरे में ये सीईओ और यी बैठे होते हैं, वो भी रूरू की आवाज सुनते हैं और बोलते हैं ये रूरू की आवाज है। दोनों उठते हैं और जाते हैं उसे देखने के लिए और तभी रूरू जो है वो बोलना चाहता है कि ये और तभी पीछे से दोनों यी और जो सीईओ है वो भागते हुए आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ करके। तो रूरू बोलता है कि इट्स अ टाइगर, अ बिग डैगर। डैगर, सीईओ बोलता है डैगर क्या होता है? तो यी बताता है कि वो टाइगर को डैगर बोल रहा है और अभी टाइगर बोलना नहीं सीखा है, इसलिए वो टाइगर को डैगर बोलता है। तो जो सेक्रेटरी है उसे तो कुछ पता नहीं होता, तो बोलती है कि क्या, और सेक्रेटरी के पीछे वो बिग टाइगर वाली आंखें दिखाई देती है। और मैंने स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया था कि रूरू जो है वो दूसरी चीजें भी देख सकता है, उसे बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान नहीं देख सकते, लेकिन उसे वो चीजें दिखाई देती हैं। बिग डैगर, बच्चा फिर से बोलता है डैगर डैगर। फिर से मैं बता दूं कि डैगर वो टाइगर को डैगर बोल रहा है और बच्चे की आंखें चमक उठती है वो टाइगर को देख के। तो सीईओ बोलता है टाइगर, कौन सा टाइगर? उसे अभी तक नहीं समझ में आ रहा होता है कि रूरू किस टाइगर के बारे में बात कर रहा है। यी के भी सिर के ऊपर क्वेश्चन मार्क बने होते हैं क्योंकि उसे भी नहीं दिखाई दे रहा है। तभी यी सोचता है क्या ये लोग कोई गेम खेल रहे हैं जो टाइगर के बारे में है, लेकिन रूरू बोलता है कि बिग सिस्टर आपके पीछे बहुत बड़ा डैगर खड़ा हुआ है, यानी कि टाइगर खड़ा हुआ है। और वो सेक्रेटरी की तरफ आगे बढ़ता है। अभी ये बोलता है कि अभी बहुत रात हो गई है, तुम्हें क्या सोना चाहते हो क्या? तो जो रूरू है वो बोलता है कि लेकिन मैंने डैगर को देखा है, यानी टाइगर को देखा है। और जो सेक्रेटरी है वो इधर उधर मुंडी घुमा के देखती है कि किधर पे टाइगर देखा है। और तभी ये बोलता है कि अभी जो है रात हो रही है और बहुत डार्क भी हो गया है, तो तुम जो ये बिग सिस्टर है इनको डराओ मत और हमें अब सोना चाहिए, ठीक है? ऐसा कह के वो बच्चे को बहलाने की कोशिश करता है। तभी सीईओ अपनी सेक्रेटरी की तरफ देख रहा होता है और सेक्रेटरी बोलती है कि ठीक है यंग मास्टर, हम कल खेलेंगे। ऐसा कह के वो बच्चे को ध्यान बटाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी रूरू जो है वो बार बार पॉइंट आउट कर रहा होता है और ये भी जहाँ वो पॉइंट आउट कर रहा होता है वहीं देख रहा होता है। और वो बोलता है कि वहां पर लेकिन डैगर है, और ये भी बोलता है कि जो डैगर है वो मूव कर रहा है। और यहाँ पर वो टाइगर को दिखाया जाता है जिसको उसने सेक्रेटरी के पीछे देखा था। और रूरू बोलता है कि देखो ये वो वहां पर खड़ा हुआ है। और तभी ये सीईओ और सेक्रेटरी सब लोग देखने लगते हैं। और तभी ये बोलता है कि मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या तुम इस किटन प्लांट की बात कर रहे हो क्या, जो कि एक बिल्ली का चेहरा है, मतलब बिल्ली का टॉय है, उसके बारे में बात कर रहे हो? तो रूरू देखता है बिल्ली का प्लांट, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं कर रहा होता है। और रूरू बोलता है कि इट्स अ डैगर, यानी कि अभी भी वो बोल ही रहा है कि मैंने टाइगर को देखा है। सीईओ थोड़ा सा कंफ्यूज हो रखा होता है। तभी ये बोलता है कि मुझे माफ करें, जो रूरू है वो अभी स्लीपी हो रखा है। और वो सेक्रेटरी से पूछता है क्या उसने आपको डरा दिया? सेक्रेटरी अपने हाथ आगे बढ़ाती है, बोलती नहीं कोई बात नहीं, ये सब ठीक है। रूरू थोड़ा सा मुंह बनाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? तभी सीईओ बोलता है कि रूरू जो है वो सही कह रहा है। और ये मन में सोचता है कि क्या तुम और इस सिचुएशन में फ्यूल डाल रहे हो और इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाह रहे हो क्या? तभी टाइगर जो है वो आगे की तरफ मूव करता है और रूरू को ये टाइगर दिखाई दे रहा होता है, लेकिन किसी और को नहीं दिखाई दे रहा होता है। जब टाइगर अपना बड़ा सा मुंह खोल के आगे आता है और तो वो उसकी सारी की सारी जो शेडो है वो यी के ऊपर पड़ रही होती है। और तभी रूरू उसको बोलता है कि यी तुमको पीछे हटना चाहिए, वो टाइगर यहीं आ रहा है करके। यी के सिर के ऊपर क्वेश्चन मार्क फिर से आता है, क्योंकि यी सोचने लगता है अब कौन सा टाइगर आ रहा है उसकी तरफ। और तभी टाइगर वाकई में उसके पास पहुंच जाता है और रूरू देखता है कि टाइगर का पंजा जस्ट यी के हार्ट के तरफ है। और वो देखता है कि यी के अंदर कोई चीज पेनिट्रेट कर रही है, जा रही है करके। और ये कोई और चीज नहीं, वही लाल रंग का धुआं होता है जो यी के अंदर जा रहा होता है। यी को कुछ तो फील होता है, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि क्या होता है। और यी जो है वो पीछे धक्का खा के गिर सा जाता है। और जब वो पीछे गिरता है तो उसके पीछे सीईओ खड़ा होता है। सीईओ फट से यी को अपनी बाहों में ले लेता है और वो पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, तुम बेहोश कैसे हो गए? तभी वहां पर रूरू को दिख रहा होता है वो जो रेड रंग का स्मोक है वो उसके हार्ट की तरफ जा रहा है। तभी सेक्रेटरी बोलती है क्या ये ठीक है, क्या हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए? मैं जाके डॉक्टर को बुलाती हूँ। और रूरू जो है वो ये देख के बहुत परेशान हो जाता है और वो बार बार बोलता है यी और तुम्हारे ऊपर एक गंदी सी चीज है और तुम्हारे ऊपर वो गंदा डर्ट है, और बोलता है कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तभी सीईओ बोलता है कि क्या डर्टी थिंग है जो उसे दिखाई नहीं दे रही है। और तभी रूरू उसको पॉइंट आउट करता है कि देखो उसके हार्ट की तरफ एक डर्टी थिंग है करके। सीईओ सोचता है कि क्या यी उनको कोई वुंड लगा हुआ है क्या उसके हार्ट की तरफ पे, तो वो उसे चेक करने के लिए उसका शर्ट जो है थोड़ा सा पुल करता है। और फिर वहां देखता है कि उसके हार्ट की तरफ कुछ उसे दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो कोई ब्लड है ना कोई वूंड है। तो फिर भी वो सोचता है कि फिर भी एक बार श्योर करने के लिए मैं और अंदर झांक के देखता हूँ। तो सीईओ यी के चेस्ट के अंदर देखता है और वो उसको हाथ से भी फील करता है, लेकिन उसे कहीं पे भी कोई बम्प या लंप कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो सीईओ सोचता है कि हो सकता है कि कोई इंटरनल इंजरीज हो। जब वो उसे रैंडमली टच कर रहा होता है तो सीईओ को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रहा है, और वहां पर रूरू जो है उसे बहुत ही चिंता हो रही होती है यी की। और सीईओ सोच रहा होता है कि उसे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है ऐसे टच करने पे, और वो ब्लश भी कर रहा होता है बिना किसी कारण के। तो वो अपना हाथ फट से हटा लेता है और सोचता है कि ठीक है, हमें डॉक्टर का वेट करना ही चाहिए। तो रूरू देखता है कि वो जो अपना हाथ हटाता है तो लाल रंग का जो डर्ट है वो भी इधर उधर भागने से लगता है, और रूरू को बड़ा आश्चर्य होता है कि सीईओ के हाथ हिलाने की वजह से जो रेड रंग का स्मोक है वो चला गया है। तभी सेक्रेटरी आती है और बोलती है कि डॉक्टर इधर आ गए हैं। तो सीईओ बोलता है ठीक है, उन्हें मेरे कमरे में ले जाओ और वहां पर वेट करो, मैं यी को वहां पर लेके आता हूँ। सीईओ यी को गोद में उठाता है और रूरू सोच रहा होता है कि वो स्मोक थोड़ा सा चला तो गया है लेकिन अभी भी बाकी है और बहुत कुछ तो वापस आ भी गया। सीईओ यी को गोद में उठा के चलने लगता है अपने रूम की तरफ। तभी यी की आंखें खुलती हैं और यी सोचता है कि हम दोनों इतने क्लोज क्यों हैं करके, और तभी वो ये भी सोचता है कि शायद उसे सपना आ रहा होगा और फिर से वो फेंट हो जाता है। सीईओ अभी भी यी को अपनी गोद में लेके चल ही रहा होता है। तो डॉक्टर के पास वो पहुंचते हैं और डॉक्टर बोलता है कि मुझे फिजिकल चेकअप करना पड़ेगा पहले, तभी मैं बता सकता हूँ कि क्या हुआ है। रूरू सोफे पे बैठ के चिंतित हो रहा होता है कि क्या हो गया यी को। तब सीईओ बोलता है कि जब तक डॉक्टर यी का चेकअप कर रहे हैं थॉरोली, तब तक हम बाहर चल के बात करते हैं। रूरू बोलता है ठीक है, हम बात करते हैं करके, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा होता है कि वो बात करे नहीं करे करके। तो सीईओ बोलता है कि तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो। तो रूरू सोचता है कहूँ नहीं कहूँ करके, तो फिर बोलता है ठीक है, हाँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो सीईओ बोलता है कि चलो हम बाहर चल के बात करते हैं सीक्रेटली। तो रूरू बोलता है ठीक है। अब रूरू को वो गोद में लेना चाहता है, लेकिन रूरू तो इतनी जल्दी में होता है कि वो सोफे से उतरता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है, और जो सीईओ है उसके हाथ खाली रह जाते हैं। उसे रूरू को गोद में उठाने का चांस नहीं मिलता है। तो फिर दोनों चलते हैं, रूरू आगे आगे चल रहा होता है, सीईओ पीछे पीछे चल रहा होता है। और फिर रूरू बताता है कि मैंने एक सपना देखा था जिसमें यी को बहुत सारा ब्लीडिंग हो रहा था और मैं बहुत डर गया था। तो मैंने यी को कहा था कि वो मेरे साथ ही रहे, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो जो अंकल थे वो गिर गए। यदि आपको याद हो पिछले एपिसोड में एक सीन था जिसमें एक स्टंट वाला आदमी आता है जो यी की जगह पे स्टंट करता है, वो गिर के मर सा जाता है करके। तो सीईओ बोलता है कौन से अंकल गिर गए थे। तो रूरू बताता है एक्टर अंकल थे, वो गिर गए थे जिन्होंने यी के कपड़े पहने हुए थे उस दिन शूटिंग के लिए। तो सीईओ बोलता है कि स्टंटमैन की बात कर रहे हो जो ऊपर से नीचे गिर गया था हाइट से। तो रूरू बोलता है हाँ, और वो ये भी बताता है कि यी जो है वो उसको हेल्प करने गया था, लेकिन वो अंकल को हेल्प नहीं कर पाए, और जो डर्ट था उनमें से एस्केप करके अंकल की बॉडी में से वो जो डर्ट रेड कलर का स्मोक था वो निकला और वो यी के बॉडी के अंदर चला गया था। तो सीईओ सोचता है ये किस टाइप की डर्टी थिंग है जिसके बारे में वो ये बात कर रहा है। तो रूरू बहुत समझाने की कोशिश करता है हाथों के द्वारा, कभी बोल के कि वो ऐसा है वैसा है, इट्स अ डर्टी थिंग करके। तो सीईओ सोचता है कि यदि वो जख्म नहीं है और रूरू जो है वो यदि किसी जख्म के बारे में नहीं बात कर रहा है तो बेसिकली वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तभी उसको लगता है कि रूरू ने जब चिल्लाया था कि यी तुम पीछे की तरफ हटो, तो यी वाकई में पीछे की तरफ हटा था और उसके बाद यी यून जो है वो वाकई में बेहोश हो गया था। तो ये कोइंसिडेंस है या सिर्फ मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ करके सीईओ ऐसा सोचता है। तभी सीईओ को याद आता है कि किसी ने कहा था कि बच्चों को वो सारी चीजें दिखाई देती हैं जो बड़े लोगों को नहीं दिखाई देती हैं। तो क्या वाकई में रूरू भी उन चीजों को देख सकता है? और ये सब सीईओ जब सोच रहा होता है तब भी रूरू किसी तरह उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी सेक्रेटरी आती है और बोलती है कि डॉक्टर ने अपना चेकअप जो है वो फिनिश कर लिया है और अब आप उनको जाके देखो करके। तो सीईओ बोलता है ठीक है। तो सीईओ और बच्चा दोनों वापस सीई के रूम में जाते हैं और वहां जाके देखते हैं कि क्या कहता है डॉक्टर। तो डॉक्टर बोलता है कि जो यी है बहुत थक गया है और एग्जॉस्ट हो गया है, उसे रेस्ट की बहुत जरूरत है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो यी है वो एक्चुअली बहुत गहरी नींद में सो चुका होता है और वो बोलता है कि मैं कुछ पिल्स दे देता हूँ जो इसको अच्छी नींद लाएंगी और इसमें इसकी रिकवरी में हेल्प करेगी। रूरू लगातार यी की तरफ देख रहा होता है और तभी सीईओ बोलता है ठीक है, जब सब ठीक है तो अब हम सबको रेस्ट लेना चाहिए। लेकिन रूरू अभी भी बहुत वरीड होता है यी के लिए। और तभी सीईओ बोलता है कि डॉक्टर ने कहा है कि यी जो है वो बहुत टायर्ड है, वो ठीक हो जाएगा जल्दी। और वो ये कहता है कि तुम्हें भी अब रेस्ट लेना चाहिए और तुम्हें सोना चाहिए जिससे कि तुम्हारे अंदर कल के लिए स्ट्रेंथ रहे। और जब तुम अच्छे से सोगे और रेस्ट लोगे तभी तो तुम यी को भी सिखा सकते हो कि वो भी तुम्हारी तरह अच्छे से रेस्ट ले, और नहीं तो तुम लोगों का एनर्जी खत्म हो जाएगा। तो रूरू जो है वो बिल्कुल मोटिवेट हो जाता है और सोचता है हाँ ठीक है, मुझे जल्दी सोना चाहिए क्योंकि मुझे ये सब यी को भी सिखाना है। एक तरफ यी सो रहा होता है और दूसरी तरफ सी और रूरू भी सोने की तैयारी करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब जो हमारे सेक्रेटरी है वो शावर लेने जाती है अपने कमरे में और शावर ले रही होती है और बोलती है कि यंग मास्टर ने कहा था कि मेरे पीछे टाइगर है, मेरी बैक के पीछे। तो दिखाते हैं कि जो लड़की है उसकी जो पीठ है उसमें एक टाइगर का चिन्ह बना हुआ है और लड़की सोचती है कि आखिरकार यंग मास्टर को कैसे पता कि मेरी पीठ पे टाइगर है। रात हो चुकी होती है, सब सोने के लिए जा चुके होते हैं। रूरू बहुत कोशिश करता है सोने की और रूरू अपने टॉय के साथ सोता है। उस टॉय का नाम है डकी। एंड रूरू जो है बहुत हार्ड ट्राई कर रहा होता है और सुपर हार्ड ट्राइंग हो रही होती है कि वो सो जाए किसी तरह, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आती और वो सीईओ की तरफ देखने लगता है करके और बोलता है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे यही चाहिए क्योंकि वो मुझे स्टोरीज सुनाता है। तो सीईओ ऑफर देता है कि तुम कौन सी स्टोरी सुनना चाहोगे, मैं तुम्हें सुनाऊंगा। और ये सोच के वो अपना फोन भी बाहर निकालता है। तो जो रूरू है बोलता है कि मुझे लेकिन यी ही चाहिए। तो सीईओ बोलता है कि जो यी है वो बहुत थका हुआ है और उसे सोने की बहुत जरूरत है, तो आज मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ, लेकिन जब कल तुम उठोगे तब तुम्हें यी जरूर स्टोरी सुनाएगा। तो रूरू बोलता है ठीक है, तुम मुझे डकी के एडवेंचर के बारे में स्टोरी सुना। तो जो सीईओ है वो अपना फोन निकालता है और उसको सर्च करने लगता है कि कौन सी स्टोरी है जो डकी के बारे में है। रूरू बड़ा ही कोजी सा फील करता है, उसे नींद आने लगती है और सीईओ बताता है कि बहुत पहले एक प्रिंसेस थी डकी किंगडम में और उसे एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क दिया जाता है। और दिखाता है कि जब सीईओ ये स्टोरी सुना रहा होता है तो रूरू सो रहा होता है और डकी जो है उसका एडवेंचर पीछे से दिखाई देता है। डकी भी बिस्तर में सो रही होती है और इसी तरह रूरू अपनी डकी टॉय के साथ बहुत गहरी नींद में सो चुका होता है। तभी सीईओ लाइट को ऑफ करता है और मेंशन की दूसरे कोने में जाने की सोचता है, लेकिन फिर वो देखता है कि रूरू अभी भी सो रहा है, तो वो भी बिस्तर को अपना बिस्तर निकालता है और कंबल के अंदर घुसता है और वो रूरू के हाथों को टच करता है और उसके सिर पे भी हाथ लगाता है और सोचता है कि रूरू कितना डीप स्लीप में सो रहा है और बोलता है कि तुम एक जब छोटे थे बेबी से अब तुम बड़े हो गए हो, टाइम कितनी जल्दी गुजर जाता है करके। और तभी उसे रूरू की आवाज सुनाई देती है कि रूरू रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो सीईओ फटाक से प्रिटेंड करने लगता है सोने का और बोलता है ठीक है अब तुम अच्छे से सो, शुभ रात्रि करके दोनों सो जाते हैं। तभी सीईओ के फोन में रिंग बजता है और उसका मॉर्निंग का टाइम हो रहा होता है। वो उसको देखता है कि बच्चा अभी भी सो रहा है लेकिन उसका ब्लैंकेट हट गया है, तो सीईओ बच्चे को वापस से ब्लैंकेट उठाता है और वो बिस्तर से निकलता है और कॉरिडोर की तरफ जाता है और यी को देखता है। यी अभी भी गहरी नींद में सो रहा होता है। वो यी का टेम्परेचर फील करता है और बोलता है कि उसका टेम्परेचर जो है नॉर्मल दिख रहा है और उसे थोड़ा स्वेट भी हुआ है। बाथरूम में जाता है, टॉवेल लेके आता है, टॉवेल को अच्छे से निचोड़ता है और यी का चेहरा वहरा पोंछता है जिससे उसे अच्छा लगे, मतलब नींद में सो रहा है, उसे थोड़ा स्वेट भी हो रहा है, तो वो उसको हेल्प करता है। और उसके बाद वो कुर्सी पे एक किताब लेके बैठ जाता है और किताब को खोल के उसे पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोकस उस किताब में नहीं होता है, तो वो किताब को बंद कर देता है और अपना मोबाइल देखने लगता है। मोबाइल में एक ऐसा फोल्डर होता है जो उसने लॉक कर रखा होता है और वो उस फोल्डर को खोलता है। उस फोल्डर में रूरू की बचपन की तस्वीरें होती है कि कैसे रूरू ने चलना सीखा, कैसे यी रूरू को खाना खिला रहा था, दोनों कैसे मजे कर रहे थे। और ये देख के सीईओ को बहुत अच्छा लगता है और उसका मूड हल्का होता है। तभी दिखाते हैं कि टाइम बहुत हो गया है करके, और फिर वो यी को देखता है कि अभी भी टाइम सवेरा हो रहा है। वो आखिरी बार यी का टेम्परेचर चेक करता है और निकलता है। सवेरा अब वाकई में अच्छा खासा हो जाता है, चिड़ियाएं बाहर बोलने लगती। यी को होश आता है कि अब सवेरा हो गया, वो उठता है। तो रूरू और जो सीईओ है वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और सीईओ बोलता है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद हम यी को मिलने जाएंगे। तो रूरू बोलता है कि ठीक है हम जाएंगे। तभी यी आता है ढूंढते हुए कि रूरू तुम कहाँ हो, मैं कल रात को कैसे सो गया मुझे कुछ याद नहीं है और क्या हुआ था कल रात को मुझे कुछ भी याद नहीं है करके। और फिर वो बहुत पैनिक कर रहा होता है और वो जाता है। तभी देखता है रूरू को यी आ गया है, रूरू के हाथ में खाना होता है और वो फटाफट यी की तरफ भागता है। यी रूरू को हग करता है और वो बताता है कि पूछता है, रूरू पूछता है क्या कि तुम कल रात को अच्छे से सोए, क्या तुम्हें श्रिम्प वाला डम्पलिंग चाहिए, ये बहुत टेस्टी है। और फिर वो यी को अपना खाना ऑफर करता है। तो यी सोचता है कि कल रात को मुझे क्या हुआ था, और तो सीईओ बताता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि तुम बहुत थक गए थे, एग्जॉस्ट हो गए थे, लेकिन तुम ठीक हो, तुम्हें बस रेस्ट करने की जरूरत है। तो रूरू को यी पूछता है कि वाकई में ऐसा था, तो रूरू भी सिर हिला के बोलता है हाँ ऐसा ही था। तो सीईओ बोलता है कि तुम्हें हम हॉस्पिटल ले जाएंगे तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप कराने के लिए। तो यी बोलता है इट्स ओके, मैं शायद वाकई में बहुत टायर्ड होऊंगा। और ऐसा कहते हुए रूरू उसके मुंह में डम्पलिंग को ठूंस देता है। और सीईओ बोलता है कुछ दिन के लिए तुम अच्छा रेस्ट लो और तुम लोग यहीं रहो मेरे साथ, और वैसे भी रूरू को यहाँ रहने की आदत डालनी होगी। और बोलता है मुझे कुछ काम है, मैं कहीं जा रहा हूँ। तो यी उठ के बोलता है लेकिन मैं तुम लोगों को बॉर्डर नहीं करना चाहता हूँ करके। जैसे ही वो उठता है उसे फिर से चक्कर आने लगते हैं और वो फिर से गिर जाता है। और रूरू भी यी को पकड़ता है, बोलता है कि तुम थोड़ा रेस्ट लो। दूसरी तरफ सीईओ बोलता है कि मुझे वो जो ईस्टर्न एक्टर था उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके मैनेजर से वो ऐसा बोलता है, मैनेजर हाँ बोलता है। और फिर उसके बाद सीईओ फोन लगाता है। ये फोन ठीक बजता है उसके ग्रैंडफादर का और वो ग्रैंडफादर को पूछता है, हेलो ग्रैंडफादर, मैं जिनयाओ बोल रहा हूँ, मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। एक ऐसे तो जिस जो मेरे मतलब करीब है, मैं उस इंसान के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ।